नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां झांसी की तहसील गरौठा अंतर्गत ग्राम डुमरई का है। बताया जा रहा है कि दबंगों द्वारा एक हरिजन जाति के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और विगत 2 महीने से पीड़ित पत्थर गढ़ी और आदेश के लेखपाल कानूनी उन लोगों के चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार तंग आकर आज सब परिवार बूढ़े माँ बाप और पत्नी बच्चे के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय गरौठा के सामने अनशन पर बैठ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज सहारनपुर पहुंचकर जिले में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही जनपद में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर समुचित दिशा निर्देश दिए। भाई, सहारनपुर हमारे प्रदेश का पहला जिला होता है जब आप उत्तराखंड की तरफ से आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है कृषि के दृष्टिकोण से भी, उद्योग के दृष्टिकोण से भी, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, वानिकी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण जिला है। इस ज़िले में बहुत किस्म के बहुत सारे जो है यहाँ पे विकास के कार्य हो रहे हैं। इन सारे कार्यों के बारे में चर्चा करना। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक 17 वर्षीय किशोर के साथ 50 वर्ष के अधेड़ ने खेत में खींचकर कुकर्म की घटना को अंजाम दे दिया। अधेड़ की धान की फसल की रखवाली कर रहे 17 वर्षीय किशोर को जबरन खेत में खींच ले गया और एसपी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पाली थाने के एक गांव में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर ने पुलिस को ये तहरीर दी है और कहा है कि शाम को वो अपनी धान की फसल की रखवाली कर रहा था। उसी बीच उमरिया गाँव का रहने वाला ओम प्रकाश उर्फ नन्हे का बेटा विशेश्वर दयाल वहाँ पहुँच गया और उसके साथ जबरन कुकर्म कर दिया। पाली थाना क्षेत्र का मामला है जो एक किशोर के साथ उसी के गांव के रहने वाले जो दूर के ताऊ लगता है 50 वर्षीय युवक द्वारा किशोर के साथ एक दुष्कर्म का मामला है, जिसमें किशोर के पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया है और शीघ्र ही इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पहुँची जाएगी। बरखेड़ा गांव के वीरेंद्र सिंह का ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसकी वजह से वीरेंद्र ने बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी। वही कल बिसौली बिजली घर पर तैनात 2 संविदा कर्मचारियों ने बताया कि दोनों संविदा कर्मचारी ट्रांसफार्मर बदलने के लिए गए हुए थे। जब वीरेंद्र के ट्यूबवेल पर नया ट्रांसफार्मर लगाने के बाद संविदा कर्मचारी पुराना ट्रांसफार्मर वापस ले जा रहे थे, तभी वीरेंद्र ने पुराने ट्रांसफार्मर में से तेल निकालने की मांग की, जिसमें संविदा कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर से तेल निकालने से मना कर दिया। वही गुस्साए वीरेंद्र ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दोनों संविदा कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत दोनों संविदा कर्मचारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर के कार्रवाई की मांग की है। पिंटू नाम है मेरा, परवेज नगर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि देहात बिजली घर पे हूँ मैं और ग्रामीण पे, और बरखेड़ा गांव में जो टीए पढ़ाने गए 25 लाइनमैन संविदा कर्मचारी। कौन कौन गए थे? हम और विजेंद्र, हाँ ये भी लाइनमैन मेरे साथ ही है। वहाँ पर गए, उनके शिकायत पर जो 25 KV ट्रांसफार्म फुका हुआ था बरखेड़ा। महोबा पहुंचे सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए और पत्रकार वार्ता को बीच में छोड़कर वहां से चले गए। जनपद के विकास कार्यों सहित जब उनसे देवरिया हत्याकांड मामले पर सवाल पूछा गया तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तिलमिला उठे और बिना जवाब दिए ही वहां से चले गए। NRC और पीकू वार्ड गया था और मां गया था, तो उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत साफ सफाई नहीं लगी थी, तो मैंने डांटा भी, कहा भी था और उसको निर्देश भी मैंने दिया है। दूसरा यह है कि CDO साहब को अभी मैं निर्देश देके जाऊंगा कि इस विषय में वो जांच करके मेरे को आज्ञा भेज दे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जुए के फड़ पर रेड डाली और इसी के साथ ही भाजपा नेता समेत 8 लोगों को जुआ खेलते हुए दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से 40,000 की नकदी भी बरामद की है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना कोतवाली अंतर्गत एक टिकारा गांव पड़ता है, जहां पर आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर जुआ हो रहा है। इस सूचना पर थाना स्तरीय स्तर पर कई टीमों का गठन किया गया, वहां पर टिकारा गांव में छापेमारी की गई।
जिसमें दो जगहों से कुल 8 लोग पकड़े गए हैं और लगभग 40,000 रुपये बरामद हुए। उपरोक्त प्रकरण में थाना स्थानीय स्तर पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की। अलीगढ़ महानगर के थाना दहली गेट इलाके के मेलरोज बाईपास पर दोस्तों से बात कर रहे युवक को अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर घायल युवक को इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज भेजी, जहां उपचार के दौरान ही युवक की मृत्यु हो गई। यहाँ पे 3 लड़के खड़े हुए थे ब्लड मोटरसाइकिल पे, आपस में बातें कर रहे थे। 2 लड़के अचानक आए, पहले चाटा मारा, फिर गोली मार के और 5 सेकंड के अंदर अंदर निकल गए। गोली मारने के बाद पुलिस कितनी देर बाद आई है? पुलिस ओनली फॉर 2 मिनट में आ गई है। 2 मिनट में सूचना यहाँ से क्षेत्र के लोगों ने दी होगी? नहीं नहीं, वो दौरे पे आ रही थी, SHO वाली गाड़ी आई, उन्होंने तुरंत यहाँ पे अपना। अभी पीड़ित को कहाँ हॉस्पिटल ले गए? हाँ, पीड़ित को हॉस्पिटल ले गए। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री के जिले शाहजहांपुर में से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद से प्रशासन से लेकर PWD के अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो गया। दरअसल शाहजहांपुर में बन रही सड़क को बीती रात असलहू से लैस कुछ दबंगों ने बुलडोजर से उखाड़ फेंका। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ठेकेदार ने उन्हें कमीशन नहीं पहुंचाया था। जी हां, यही नहीं, आरोप ये भी है कि करीब 3 कारों से मौके पर पहुंचे दबंगों ने काम कर रही लेबर के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद PWD विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर PWD और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना जयदेवपुर क्षेत्र की घटना है। थाना जयदेवपुर क्षेत्र में दातागंज बदायूं मार्ग है, उसका चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। बनखंडी पुलिया के पास की घटना है। कुछ व्यक्ति, एक जगवीर सिंह नामक व्यक्ति, उसके साथ 15-20 लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर रोड को क्षतिग्रस्त किया। कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे उनको वहां से मारपीट कर भगा दिया, जिससे करीब 500 मीटर सड़क को JCB से खोद दिया, इससे शासकीय क्षति हुई है। इस संबंध में मैसर संगतला के रमेश सिंह द्वारा एक प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई है। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव महरूर में देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर के मामूली विवाद के चलते लाठी डंडे चलने लग गए, साथ ही फायरिंग किए जाने का मामला भी सामने आया है। दो पक्षों के बीच हुई इस मारपीट और फायरिंग में जहां बेटे दीपक को गोली लग गई, तो वहीं उसके पिता के सर पर हमलावरों के द्वारा लाठी डंडों से हमला किया गया। जहां एक तरफ बेटा पेट में गोली लगने की वजह से अस्पताल के सफेद बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो वहीं सिर पर लाठी डंडों से किए गए हमले के चलते खून से लथपथ पिता शिव सिंह का उपचार जारी है। वहीं इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राजू प्रधान नगरा जजहार मौजूदा, इसका ट्रैक्टर लेके आ रहा था, इसका ड्राइवर, मैं बाइक से आ रहा था, खेत में से बाइक में ऊपर चढ़ाई, वो ट्रैक्टर बाइक पर चढ़ाया है। मैंने इसे कहा भाई तरीका थे सही चढ़ा, ड्राइवर सही करो, कि हम तो ऐसे ही करेंगे, बस इतनी बात भाई, और कोई बात ना भाई। इन्होंने थाने फोन कर दिया है। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां स्टेट हाईवे की सड़क JCB से उखाड़ने के मामले में पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब तक मुख्य आरोपी जगवीर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इधर PWD ने हस्त क्षतिग्रस्त सड़क से हुए नुकसान का आकलन कर DM को सूचना दे दी है। जैसा कि विदित है, थाना जयतीपुर पर निर्माणाधीन सड़क को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें साक्ष्य के आधार पर धारा 386 APC की वृद्धि की गई है। इस अभियोग से संबंधित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में थाना जयतीपुर पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से घटना प्रयुक्त JCP को भी बरामद किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि जगवीर के कहने पर लोग वहां पहुंचे थे, बुलडोजर चलवाकर जमीन पर अतिक्रमण मुक्त कराई गई। बीते दिनों नगर निगम के द्वारा वैध रूप से नगर निगम की जमीन का इस्तेमाल करने को लेकर रिटायर्ड पुलिस कर्मियों और अधिवक्ताओं समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें आज उक्त स्थान पर नगर निगम के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि लगभग 70 साल पहले नगर निगम की जमीन पुलिस विभाग को अस्थायी रूप से चौकी के लिए दी गई थी, लेकिन चौकी के स्थानांतरण के बाद पुलिस विभाग के कुछ लोग इस स्थान का आवासीय रूप में प्रयोग करते रहे। पिछले कई माह से नगर निगम के द्वारा उक्त स्थान को खाली किए जाने का नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी ना तो नगर निगम पहुंचा और ना ही उक्त जमीन को खाली किया। उसके बाद नगर निगम के द्वारा 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया और यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की गई।
ये हमारे शहर के बिल्कुल बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में है, रानी महल के सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं रानी महल के सामने की जमीन है। ये काफ़ी वर्षों पूर्व 1938 में पुलिस विभाग को दी गई थी, उस समय टेनिस कोर्ट के प्रयोजन के लिए दी गई थी। उसके बाद चौकी बनाई गई थी, कालांतर में चौकी भी जब यहाँ से शिफ्ट हो गई है, उसके बाद यहाँ पे पुलिस विभाग द्वारा आवासीय रूप में प्रयोजन किया जा रहा था। झांसी के मोरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पलरा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आड़ में फिर से बार बालाओं का अश्लील डांस हुआ। लोकगीत कार्यक्रम में कराया गया फिल्मी गानों पर अश्लील डांस। अश्लील डांस की इस वीडियो को देख करके सभी लोग हैरान है, साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना उल्दन ग्राम पलरा का ये पूरा मामला बताया। यूपी के बाराबंकी में नवागत डीएम की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। चार्ज लेने के बाद से ही नवागत जिलाधिकारी अलग मूड में नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर उसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जनपद के रफी अहमद किदवई पुरुष चिकित्सालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम सत्येंद्र कुमार के सामने अव्यवस्थाओं का बोलबाला दिखा। अव्यवस्था और अस्पताल के एक एक वार्ड और एक एक काउंटर पर जाकर जानकारी प्राप्त की गई। मरीजों के साथ साथ तीमारदारों से भी बात की गई। इस दौरान एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी से शिकायत की, एक्सरे बाहर लिखा हुआ था कि एक्सरे बाहर है। शिकायत सुनने से ही डीएम का पारा चढ़ गया और उन्होंने शिकायतकर्ताओं के साथ जाकर डॉक्टर की पहचान कराई और जमकर डपट लगाई। देखिए, जिला अस्पताल बाराबंकी का सीएमएस साहब के साथ में हमने अभी निरीक्षण किया है। जितने भी हमारे ओपीडी के एरियाज हैं उन सभी एरियाज को देखा गया है। कुछ पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जिनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि एक्सरे के लिए उनको बाहर रखा गया है, जिला अस्पताल से बाहर। उसके संबंध में हमने एडीएम साहब और सीएमएस साहब को कहा है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट देंगे और जिस संबंधित डॉक्टर ने ये काम किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर हमने साफ सफाई जहाँ पर कमी लगी है उसके बारे में इंगित किया गया है। व्यवस्थाएँ सीएमएस साहब के नेतृत्व में काफ़ी ठीक चल रही हैं। कानपुर के चकेरी अहिरवा में ई बस डिपो में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग बढ़ती ही चली गई। देखते ही देखते आग ने एक बस के बाद से बगल में खड़ी दो और ई बसों में अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान तीन बसें धू धू कर जलने लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। डॉक्टर की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर रमेंद्र प्राइवेट क्लिनिक में बुलाकर मृतक युवक का ऑपरेशन कर रहे थे। हालत बिगड़ने पर कानपुर रेफर किया गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल हुआ है। प्राइवेट क्लिनिक के सामने शव रखकर परिजन इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। वही 40,000 रुपए लेकर डॉक्टर ने प्राइवेट क्लिनिक में ये ऑपरेशन किया था, ऐसा बताया जा रहा है। शहर कोतवाली अंतर्गत जिला अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।